गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट मुरलीधर, चैप्टर 5 कॉर्ड टेस्टी पार्ट फर्स्ट। कॉर्ड टेस्टी मतलब होता है शिष्टाचार। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, मैनी ईयर एगो, बहुत समय पहले, ए ग्रोची ओल्ड होमलेस मैन लिव्ड इन डर्टी कार्डबोर्ड बॉक्स होम नेक्स्ट टू सम बशेस। कि बहुत समय पहले की बात है, एक गंभीर पुराना बेघर आदमी गंदे से कार्डबोर्ड मतलब गद्दे का जो बॉक्स होता है उसके अंदर अपना घर बना के रहता था, और झाड़ियों के पीछे। ही सर्वाइव्ड बाय ईटिंग द लेफ्ट ओवर डेड पीपल थ्रू इनटू द गार्बेज। वो जो कूड़े करकट में जो भी अपना खाना जो वेस्ट हो जाता था, लोग फेंक देते थे, जो अपना बेका खाना जो फेंक देते थे, तो उससे वो ही अपना खाना पीना चलाता था। जो लोग गाँव का खाना बेकार हो जाता था वो फेंक देते थे, तो वो अपना खा पी के वो खाना अपना जीवन चला रहा था। एवरी डे ही वुड टेक अ ट्रिप इन टू द टाउन। वो रोजाना एक ट्रिप घूमने निकलता था उस टाउन में। द नेबरहुड किड्स वर अफ्रेड ऑफ हिम। छोटे छोटे बच्चे उससे डर जाया करते थे, बिकॉज ऑफ द वे ही लुक, क्योंकि वो जैसा दिखता था उससे छोटे छोटे बच्चे डरते थे। बिकॉज ऑफ हिज क्लॉथ्स वर टर्न एंड वेड, उसके कपड़े फटे हुए थे और बहुत गंदे थे। ही रोट अ हेड डेड हेड अ होल बाय हिज आइज, उसके सर पे एक हेड था जिससे उसकी आंख, उसमें ऐसा छेद था जिससे उसकी आंख दिखाई पड़ती थी। ही वुड यूज द होल टू पीप थ्रू आउट एज ही वॉक होल्डिंग हिज क्रूड केन। वो अपनी छड़ी पकड़ के चलता था और उस जो छेद था उसमें से हेड में उससे देखता था। इफ देयर वाज एनीवन ऑन हिज वे ही वॉक्ड, ही वुड ग्रंट एंड वेव द केन हाई इन द एयर क्रॉसिंग द पर्सन ऑफ दिस पार्ट टू मूव अवे क्विकली। अगर उसके पास से कोई भी गुजरता था वो बहुत जल्दी से वहां से इंसान गुजर जाता था उसकी डर की वजह से, क्योंकि लोग डरते थे उसकी हालत देख के। ऑन हिज वे बैक ही वुड स्टॉप बाई अ स्टीम एंड सिट अंडर द शेड ऑफ ट्री। और आगे जाके वो एक पेड़ की छांव में नदी के किनारे बैठ जाया करता था। दे लिव्ड लिटिल गर्ल नियर द स्टीम, एक छोटी बच्ची उस स्ट्रीम मतलब नदी के किनारे के पास में उसके पास आई। शी वुड वॉच द ग्रॉसी ओल्ड मैन, उसने उस ओल्ड मैन को जो पुराना था कपड़े पहने हुए था गंभीर था उसे देखा। एंड एज ही सैट देयर, और वह उसके पास बैठ गई। देन शी वुड गो टॉक टू हिम, और उसके पास जाकर वह बात करने लगी। शी वुड ऑफर हिम सम ऑफ स्वीट कुकीज एंड वाटर डेट शी हैड विद हर। वह अपने साथ में कुछ स्वीट कुकीज लेके आई थी, मीठा कुछ कुकीज लेके आई थी और पानी अपने साथ में लाई थी। द ग्रॉसी ओल्ड मैन वुड जस्ट ग्रंट, अब वो चाहती थी कि ये ओल्ड मैन खा ले। डिसाइड डेट शी हैज समथिंग टू डू, उसने बोला कि मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, क्या आप इसे खा लोगे। शी वुड स्कोल्ड द होमलेस मैन सेइंग, यू हैड बेटर ईट ऑल ऑफ दोज कुकीज बाई द टाइम आई गेट बैक। उसने बोला कि अब मैं थोड़े से समय बाद आऊंगी, तब तक आप प्लीज इसे फिनिश कर लेना। एज सून एज शी लेफ्ट, जब थोड़े समय के बाद वो वापस आई, द होमलेस मैन वुड एट द ड्रिंक, वो जो बेघर आदमी था उसने वो कुकीज भी खा ली और पानी भी पी लिया। वेन द लिटिल गर्ल वुड टर्न शी वुड बी हैप्पी, जब वो छोटी बच्ची वापस आई वो बहुत खुश हुई। बिकॉज क्योंकि शी वुड हैव नोटिस, उसने ये ध्यान दिया डेट ऑल ऑफ द फूड हैव बीन फिनिश्ड, जितना भी भोजन था वो खत्म हो गया था। द होमलेस मैन वुड स्माइल एट हर एंड वांट बैक टू हिज गर्बेज होम मेड ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स। वो जो होमलेस बेघर आदमी था वुड स्माइल, वो मुस्कुराया एट हर एंड वांट, उसे देखकर और मुस्कुरा कर अपने घर जो गार्बेज घर था उसका, जहां वो रहता था कार्डबोर्ड के गत्ते के घर में, वहां वो वापस चला गया। एवरी डे द गर्ल वुड विजिट द होमलेस मैन बाय द स्ट्रीम, डेली वो लड़की वहां आती थी उस नदी के किनारे और उनसे मिला करती थी जो वो मैन थे ओल्ड मैन थे उनसे। शी वुड ऑलवेज ब्रिंग हिम सम टाइम टू ईट, और
उनके लिए कुछ खाने के लिए डेली कुछ ना कुछ लेके आती थी। अब इसके आगे की स्टोरी हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।